नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक ऐसा प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर जो कि आप सभी फ्लावर या फ्रूट्स की प्लांट को आप दे सकते हैं या वेजिटेबल्स में दे सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसका जो कलर है आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार कलर है। और ये जो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसके अंदर ह्यूज क्वांटिटी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। दोस्तों आपके प्लांट के लिए जो जो फर्टिलाइजर की जरूरत है, पूरे फर्टिलाइजर इस फर्टिलाइजर के अंदर है। दोस्तों पूरे चीज का पूरे करते हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ते हैं सारे चीज की पूरक है ये फर्टिलाइजर। तो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करूंगा। ये फर्टिलाइजर देने से आपने इससे पहले मेरा जो वीडियो देखा है उसमें भी मैंने दिखाए थे ये फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर जो मैंने प्लांट को दिए थे। दोस्तों तो ये फर्टिलाइजर कैसे आप तैयार कर सकते हैं, देखिए मेरा पूरा बकेट भरा हुआ है, पूरा बकेट भरा हुआ है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पूरा बकेट भरा हुआ है, ये मैंने तैयार करके रखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि आप भी घर पर बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को, प्योर लिक्विड फर्टिलाइजर, प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर को आप घर पर बना सकते हैं और आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। और आप अपना प्लांट को देंगे तो आपका प्लांट भी बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगे और बहुत अच्छा बुशी बनेंगे दोस्तों। और जो भी फर्टिलाइजर की कमी होंगी अपने प्लांट में, सब ठीक हो जाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको 4 से 5 लीटर बटर लेना है एक बकेट में। ये देखिए दोस्तों, ये जो बटर है, ये 5 लीटर मैंने पानी ले लिया है दोस्तों, देखिए 5 लीटर पानी है इसमें। और इसके बाद दोस्तों आपके पास जो बेस्ट फ्लावर है, फलों का छिलका है, सब्जी का छिलका है, ये देखिए दोस्तों दिखाते हैं, ये जो फूल है काल मैंने भगवान को चढ़ाए थे, उसके बाद जो बचा हुआ है आज इस फ्लावर को आपको फेंकना नहीं है। ये फ्लावर जब बच जाएंगे आपके पास, और ये देखिए दोस्तों सब्जी के छिलके हैं, ये छिलके जब बच जाएंगे इसके अंदर आपको फ्रूट्स के छिलके भी मिल जाएंगे। फ्रूट्स के छिलके हैं आपके पास, अगर वो भी स्टोर कर लीजिए, कम से कम 1 हफ्ता की या 10 दिन के स्टोर कर लीजिए। ये तो मेरा फ्रेश है, मतलब कल के है, ये मैं यूज कर रहा हूँ और पहले से भी मैंने स्टोर करके रखा है। कुछ दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए दोस्तों, ये कम से कम आप 10 दिन की ले लीजिए और नहीं तो 7 दिन की ले लीजिए। 7 दिन की लेने के बाद 5 लीटर वाटर लेना है, और 5 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर लेने के बाद दोस्तों ये जो है फूल है, केले के छिलके हैं दोस्तों, ये सब चीज़ आपको फेंकना नहीं है। आप धीरे धीरे इस वाटर में डाल दीजिए दोस्तों, ये वाटर में डाल दीजिए, और उसके बाद जो फ्रेश है, फ्रेश वाला भी डालिए जो आज के है। दोस्तों आप इसके अंदर चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं, आपके पास अगर चाय बन रहा है आपके घर में, वो चाय की पत्ती आप एक जगह पर स्टोर कर लीजिए, उसके बाद धो लीजिए, धोने के बाद उसके बाद उसको आप डाल सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे थोड़ा सा सबको डुबा दीजिएगा, ये धीरे धीरे फिर से फूल जाएंगे और बाहर की ओर आ जाएंगे दोस्तों। और ऐसे करके अपने को कम से कम 10 दिन रखना है दोस्तों। 10 दिन रखने के बाद इसमें 10 दिन तक और कुछ नहीं डालना अपने को। 10 दिन रखने के बाद इसमें से जो फर्टिलाइजर बन जाएंगे, वो फर्टिलाइजर आप अपने हर प्लांट को यूज कर पाएंगे दोस्तों। आपके पास जितने भी रोज फ्लावर प्लांट है उसको आप दीजिए, हिबिस्कस में दीजिए, आपके पास जो जो फ्लावर प्लांट है, सब्जी की प्लांट है, फ्रूट्स के प्लांट है, सभी को आप दीजिए। इसकी देने की जो क्वांटिटी है वो भी मैं बता दूंगा, और प्लांट को अभी देके भी आपको दिखा देंगे दोस्तों। और इसके बाद जब ये फर्टिलाइजर बन जाएंगे, उसके बाद आपको और क्या करना मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरे ये फर्टिलाइजर बन चुके हैं, अभी ये जो बेस्ट मटेरियल है ये देखिए दोस्तों, इसको आपको सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद थोड़ा सा ड्राई करने के लिए डाल देना है, ये सॉइल से निकाल लेना है, सॉरी वाटर से निकाल लेना है। वाटर से निकाल लेंगे उसके बाद इसको थोड़ा सा सुखा लीजिएगा, ये आपका कंपोस्ट बन जाएगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनेंगे। उस कंपोस्ट को आप अपना पॉट की जो सॉइल है उसमें मिक्स कर सकते हैं दोस्तों, उसमें यूज कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। चलिए आप इसमें से
देखिए दोस्तों, एक लीटर जब लेंगे आप इसमें से, मान लीजिए एक लीटर ले लिए, और एक लीटर लेने के बाद ये एक लीटर हो गया दोस्तों, इसको फिर पांच लीटर पानी में अपने को ऐड करना है कि दोस्तों मैंने पांच लीटर पानी ले लिए है इसमें, और इसमें एक लीटर मैं डाल दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मिक्स कर लिए हैं, एक लीटर मिक्स कर लिए हैं। एक लीटर मिक्स करने के बाद उसका जो कलर है, ये देखिए दोस्तों, ऐसा कलर आएगा दोस्तों। और ये फर्टिलाइजर बनने के बाद आप 15 दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं। 15 दिन के बाद इसको यूज मत कीजिएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेंगे दोस्तों। चलिए आप एक रोज फ्लावर प्लांट को या कुछ फ्लावर प्लांट को आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा एक रोज फ्लावर प्लांट है, ये एक हाइब्रिड टी रोज फ्लावर प्लांट है। इसमें हम दे देंगे 200 ml, इसको दे दूंगा दोस्तों। उसकी बाजू में भी एक, देखिए ये देखिए, एक पिंक कलर का एक रोज फ्लावर प्लांट है, उसमें भी मैं 200 ml दे दूंगा दोस्तों। उसके बाजू में और भी फ्लावर प्लांट है, तो उसमें भी मैं 200 ml। तो हर प्लांट को आपको 200 ml करके देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना दोस्तों। चलिए दूसरे प्लांट को देते हैं। देखिए दोस्तों, क्राइसैंथेमम का प्लांट है, उसमें भी मैं 200 ml दे दूंगा। ये देखिए दोस्तों, 200 ml दे दिए हैं। सेकेंड फ्लावर, सेकेंड पॉट को भी मैं 200 ml दे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।